सो गाइस हम लोग चार स्टेट्स क्रॉस करते हुए पहुंच गए हैं एमपी। ग्वालियर आने वाला है, ग्वालियर रह गया था कोई 40-45 किलोमीटर इतना रह गया, और हम लोगों ने चार स्टेट्स पंजाब क्रॉस किया, उसके बाद दिल्ली क्रॉस किया, उसके बाद यूपी क्रॉस किया, और यूपी और एमपी के बीच में थोड़ा सा एरिया हमने राजस्थान का क्रॉस किया। तो ये चार स्टेट्स क्रॉस करते हुए हम लोग चले हुए हैं, और हमें चलते चलते मतलब गाड़ी में ड्राइव करते हुए हमें पूरे 12 आवर्स होने वाले हैं नेक्स्ट आधे घंटे में। अभी 10:30 हुए और हम कल रात, अरे नहीं यार 11 घंटे तो कब के हो गए पता है क्यों? मैं मेरे दिमाग में हम 11 बजे चले रात के, हम 11 थोड़ी चले, 9:30 के बीच, 10:30 चले टाइम देखा था मैंने, तो 10:30 नहीं 10:08 था जब हम घर से बाहर ट्रकों में, दस बजे चले घर से, तो मतलब हमको पूरे 12 आवर्स हो गए हैं गाड़ी में, और अरुण को पूरे 12 घंटे हो गए हैं ड्राइव करते करते, थोड़ी रेस्ट ली है हाँ, मतलब नॉन स्टॉप नहीं बट रुके थोड़ी ना, ना ही सोए हैं रात के, तो वो एक ही बात होगी 12 घंटे से चले हुए, तो 12 घंटे और अभी ट्राई करेंगे कि हम पहुंच जाएं, हमारा वही सागर का एम है, एंड सागर अभी रह गया है कोई 300 किलोमीटर के आसपास, तो शाम को 5:30-6 बजे तक पहुंचेंगे वहां पे। तो हमारा यही प्लान था कि आज इस दो दिन में मतलब रात को जितना डिस्टेंस कवर कर लें, और नेक्स्ट डे आज हम जितना खींच सकते हैं उतना खींच लें, तो अगर हम सागर तक पहुंच जाते हैं तो हमारा 1000+ किलोमीटर कवर हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि हम एम लेके चले हैं, अभी भी ऐसा ही है कि हाँ अगर थकान लगती है फिर नींद आने लगती है तो कहीं भी रुक जाएंगे, ऐसा नहीं है, तो अभी नहीं फील हो रहा, अच्छा फील हो रहा है, ड्राइव करने में मजा भी आ रहा है, तो उस वजह से कंटिन्यू कर रहे हैं, चले ऐसा फील हो रहा है। एनीवे मतलब मेरे को लगता है सभी जो बीटेक किए हैं उनको रात भर जागने की एक रात तो कुछ नहीं है, सही बात है, जो रात का 3 से 4 का टाइम होता है ना उस टाइम पे थोड़ी सी आपको जैसे सनलाइट फिर से आपको दिखती है उस टाइम आपको वापस वो सारी एनर्जी वापस आ जाती है। मैं तो फिर भी झपकियां लेते आई हूँ, मेरे तो अभी भी बुरी हालत है ना, और ये भी होता है एक भी झपकी ले लो ना उसके बाद ऐसा नहीं पहले सो ही लो अच्छे से, और उसके बाद ना बॉडी ऐसे हो जाती है ना कि जैसे बस चली हुई है, चप भी नहीं दी होती जैसे वैसे हो चुकी है, सपोर्ट में रहेगी बस, चलो अच्छे तरह चलाना चला लो, चला लो सेम जैसे आपके साथ नहीं वैष्णो देवी में जो हो रहा था, एक बार चलने शुरू करिए स्टार्टिंग के 4-5 किलोमीटर थे जहाँ पे थोड़ा हुआ थकान लगती है ना, उसके बाद कोई पता नहीं चलता, 20 किलोमीटर हो चलते रहो बस। ये देख लो गाइस मध्य प्रदेश से क्रॉस करते हुए हम लोग हम लोगों ने झांसी क्रॉस कर लिया है, और अब सागर रह गया है 200 किलोमीटर, तो अभी हम सागर तो पहुंच ही जाएंगे, रास्ते में यहाँ पे रुके हम लोग लंच करने, और थोड़ी टांगे वगैरह भी सीधी हों, अभी तो ऐसा है ना पहले इतनी नींद आ रही थी, अब तो वो पॉइंट ही उड़ गया जहाँ पे मतलब नींद आ रही थी, लग रहा था कि बॉडी टायर्ड है, क्या हुआ? अच्छा तो बस अभी थोड़ा लंच वगैरह करें, और आज होली भी है तो आप सबको हैप्पी होली। सो गाइस चाय आ गई, चाय पी के ना से थकान दूर हो जाती है, तो ये एक बड़ा यूनिवर्सल ट्रूथ है, चाय पी लो थकान दूर हो जाएगी, अच्छी है चाय, पानी नहीं हो जो कैंपर पड़ा उसमें से भरेंगे, हाँ भर के, तो पानी का हम पूरा कैंपर भर के चले हुए, क्योंकि वो कैंपर हमने वहाँ फ्लैट में भी रखना है, इसलिए हमने सोचा कैंपर गाड़ी में रखते हैं, पानी से भर लेते हैं, जितने भी डेज ट्रैवल करना है उसमें भी काम आ जाएगा, बॉटल पड़ी हुई है तो बस कैंपर खोल के पानी लेने गए यार। और ऑर्डर किया हमने राजमा चावल, तो गाइस पेट पूजा डन, अब चले हम आगे, सो गाइस अरुण वॉशरूम में है, मैं गाड़ी स्टार्ट करने लगी ताकि मिनट चले लगे
ठीक है क्या नेम है? आपका किस नेम से है? ऑटो रफ्तार। ठीक है मैं चेक करके नंबर दो, मैं लिंक दे दूंगी, मैं कर लूंगी खुद सर्च करके ना, ऑटो रफ्तार। ठीक है ठीक है चलो। सो गाइस गाड़ी स्टार्ट हो गई, एसी लगा के बैठने लगी हुई, गर्मी बहुत ज्यादा है करना तो पहले थोड़ा सा रेस्ट रूम हो आए, फिर जर्नी आगे स्टार्ट करेंगे ताकि बार बार रुकना ना पड़े। क्रॉसिंग मध्य प्रदेश राइट नाउ और हमारा प्लान ये है ना, मतलब आज अरुण का मन नहीं कर रहा रुकने का, ही इज लाइक चलते रहते बस। तो अभी फाइनली हमने अपना स्टे बुक करा लिया है, वो कराया है नागपुर में। तो ये देखो हम नागपुर की जर्नी हम कवर करेंगे पूरे 24 आवर्स में। तो ये है कि आज का दिन यूटिलाइज हो गया क्योंकि सोए तो थे नहीं रात से, आज नींद, आज मान लो 6 घंटा चल के भी ब्रेक ले लेते तो थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लिया, क्योंकि ये कहते हैं मुझे नींद नहीं आ रही, थके भी नहीं थे, क्योंकि अब एक बार होता है ना नींद उड़ गई तो आती नहीं है, अभी ना ही झपकी आई, तो इसलिए हमने जितना मैक्सिमम आज हो सका डिस्टेंस कवर कर लिया और बाकी 2 दिन ब्रेक ले लेके जाएंगे। और ये देख लो मेरे पीछे अभी सनसेट होने ही वाला है, तो ये देख लो कुछ ऐसा व्यू है। और ये यहाँ पे रोड साइड हमको एक शॉप सी मिली है, मतलब ये क्या है, ढाबा है, ढाबा जलसा ढाबा, यहाँ पे हमने टी ब्रेक ली है इसलिए रुके, वेटिंग फॉर अरुण, वो गाड़ी में है। तो भाई मगर अपडेट मिला कि ये ढाबा क्लोज है, चलो थोड़ी टांगे सीधी होगी, अभी आगे कोई और टी शॉप देखते हैं टी ब्रेक के लिए अपनी। देख लो गाइस मध्य प्रदेश का सनसेट कितना सुंदर लग रहा है, और ये जगह भी आसपास थोड़ी अच्छी सी लग रही है, बस ये कि सब कुछ ड्राई ड्राई है बहुत, सॉइल भी, सॉइल का कलर भी अलग है। अभी हम रुके हैं एक ढाबा पे, इसका नाम है राजपूत ढाबा, अभी मुझे दिख नहीं रहा क्योंकि हम अंदर बैठ गए हैं, और ये अब हमारा आई थिंक फाइनल स्टॉप होगा, होटल में रुकने से के पहले का फाइनल स्टॉप है। अब इसके बाद जो भी स्टॉप लेंगे हम सीधा रुकेंगे जाके अपने होटल में। तो हमने सोचा 7 बज चुके हैं, हमने सोचा अब यहाँ से चाय पी लेते हैं और डिनर कर लेते हैं। तो डिनर में हमने कराया है पनीर साथ में, जो या इस साइड ना, मतलब हमने देखा है जैसे तुम नॉर्थ से, नॉर्थ छोड़ के नीचे वाली साइड आ जाओ ना, वहाँ पे दाल मखनी देते हैं, येलो वाली दाल, तूर दाल की दाल मखनी देते हैं, तो वो हमने मना कर दी, हमने कराई नॉर्मल, नहीं दाल फ्राई भी नहीं कराई, यहाँ का जो लोकल है सेव सेव टमाटर वो कराया हमने, और चाय और साथ में तंदूरी रोटी, तो बस वो खा के फिर हम लोग आगे निकलेंगे। सो गाइस ये आ गया हमारा खाना, दिस इज पनीर, ये है कढ़ाई पनीर, और ये है यहाँ की जो लोकल डिश होती है यूपी और एमपी साइड, दिस इज सेव, सेव टमाटर है ना, सेव टमाटर है ये, और साथ में तंदूरी रोटी और सैलेड। सो गाइस डिनर हमारा हो गया, अब हम चलने लगे हैं यहाँ से और देखते हैं कितना, 2-3 घंटे का एस्टिमेट रखते हैं, आराम आराम से जाएंगे स्लो स्पीड में क्योंकि अंधेरा हो चुका है इसलिए। Guys, finally we call it a day. हमारा आज ये ट्रिप एंड हुआ आफ्टर ऑलमोस्ट 24 आवर्स, 24 आवर्स से ऊपर ही हो गया। तो अभी होटल तो मैंने ऑनलाइन पहले ही बुक करवा लिया था, बस अब चेक इन फॉर्मेलिटीज करनी है और रूम में जाकर ना विल जस्ट क्रैश इन लास्ट वाली। अभी हेलो गाइस, इतने सारे हम हेलो कर दो,
उधर भी डर में एंटर होते ही ये लॉबी है, देन हियर आर द कबर्ड्स और इस साइड वॉशरूम है. दिस इज द वॉशरूम. ठीक है, यहाँ पे मिरर है एंड देन द मेन रूम. बेड्स हैं एंड देन सिटिंग एरिया है विद सेंटर टेबल और यहाँ पे कॉफी एंड टी और उस साइड वाटर. सो दिस इज आवर रूम फॉर टुनाइट. तो गाइस अभी हम हैं नागपुर में. अगर मैंने मेंशन नहीं किया तो हम लोग नागपुर में हैं. हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है ऑलमोस्ट अराउंड 1500 किलोमीटर्स इन 24 आवर्स. मतलब हमारा बैंगलोर तक का मोर देन हाफ जो डिस्टेंस है वो कवर हो चुका है एंड वी आर मोर देन हैप्पी कि हाफ डिस्टेंस खत्म हुआ. अब हमारा ऑलमोस्ट रह गया 1000 something किलोमीटर्स. सो वी कैन डिवाइड दैट इंटू मे बी 700, 300 और 500. पर कल हम ट्राई करेंगे 500 से ज्यादा हो जाए ताकि बैंगलोर हम संडे को पहुंच जाए और दिन में, ज्यादा रात में ना पहुंचे क्योंकि फिर सामान भी हमने सारा मूव करना है, शिफ्ट करना है फ्लैट में, इसलिए रात तक ना पहुंचे हम लोग. और इसमें एक मेरा कंसर्न बस ये था बीच में कि पहले मैं इनको बोल रही थी कि हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं जर्नी. दो पार्ट ये होंगे कि हैदराबाद रुकेंगे रात को, उसके बाद आगे जाएंगे. वो मैं इसलिए बोल रही थी क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ हैदराबादी, बंद करो, हैदराबादी बिरयानी खानी थी इसलिए. तो खुद सोचो, ठीक है, कुछ सोचो, क्या सोचो, हैदराबाद बिरयानी खानी तो हैदराबाद में रहेंगे. कितना वो ये नहीं बता रही लड़की डायरेक्टली उस पे डायरेक्ट आ जाएगा कि उसने कुछ खाना है वहां से, इसलिए वहां पे सारे लॉजिक इस हिसाब से सेट कर रही लड़की. वही रुकेंगे, नहीं 500 करेंगे पहले दिन तो हैदराबाद रुक जाएंगे. कितना बेस्ट आइडिया मेरा, ये सुनो ठीक है. फिर 500 अगले दिन 50-50 डिवाइड हो जाएगा, इजी हो जाएगा. सिर्फ इस चक्कर में ये सारा प्लान की बिरयानी खानी है. फिर लड़की को मैंने सीधा बोला कि रास्ते में देख लेना हैदराबाद बिरयानी जो भी अच्छी मिली उस क्रॉस तो हैदराबाद से करेंगे. तो ये बोलते हैं कि जब खाना खाना होगा, लाइक लंच करने रुकेंगे, डिनर के लिए रुकेंगे, तो वहां पे बिरयानी खा के चलेंगे. मगर ठीक है, मेरा खाना मुझे मिल रहा है तो ठीक है. फिर बेशक आप 500 किलोमीटर लेके जाओ या 1000, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, ठीक है. तो चलो, सो गाइस हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट डे पे. आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी. आप लोग बस जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट करो. सो गाइस सी यू, बाय बाय. मालदीव वाली कभी नहीं बताएगी है, वो भी मैं बता दूंगा, अभी आ जाएगा, मे बी इस वीडियो से पहले ही आ जाए वो. चलो बाय बाय. आई डोंट नो, वी वोंट टॉक अबाउट दिस ऑन द कैमरा. चलो बाय गाइस.